पहाड़ को समाप्त करने वाले जो असली दोषी हैं उसके ऊपर अभी भी टारगेट उसको नहीं किया जा रहा है। ऐसा कोई विकास हम लोगों को स्वीकार नहीं जिससे हमारे प्रतीक ही नष्ट हो जाए। अब हमारा कल्प वृक्ष नष्ट हो जाएगा, आप रोड लेके आ जाओगे तो रोड हमको चाहिए, कल्प वृक्ष चाहिए। 5000 वर्ष से जिस कल्प वृक्ष ने हमारी समस्त सभ्यताओं को देखी, जिसको देख करके हम अनुभव करते हैं कि ये देखो 5000 वर्ष पुराना, वो कल्प वृक्ष आज संकट में है। सारे लोग जो खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार कहते हैं, आज जोशी मठ की कराह पर, जोशी मठ की पीड़ा पर, जोशी मठ की तकलीफ पर ऐसी खामोशी। अब आप लोग ये मान चुके हैं कि मतलब ये घर तो मतलब अब छूटेगा, ये आपने स्वीकार कर लिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो मैंने तो इसको घर से तीन बच्चों की शादी की थी। हमने अपने हाथ से, मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे, हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है, एक एक रुपए जोड़ करके कि चलो गाड़ी का खर्चा बच जाएगा, हम रेता सीमेंट दूर से ले आएंगे। पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। आदि गुरु शंकराचार्य की धरती जोशी मठ से आप इस वक्त मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस शहर को बसाया, इस शहर की नींव रखी, क्यों लोग खींचे चले आए इस शहर की तरफ, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जोशी मठ जो इस वक्त एक ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठा है, जो जिसकी सुई लगातार टिक 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 कर रही है, किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है, किसी भी वक्त चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन परवाह किसे है। तो आज ये प्राचीन शहर जो लगातार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कराह रहा है, लेकिन उसकी कराह यहाँ इस धरती से निकलकर उस पहाड़ तक जाती है और उस पहाड़ से फिर लौटकर टकराकर वापस आ जाती है। तो आज इस वीडियो में मेरी एक कोशिश है कि वो आवाज़ सिर्फ इस पहाड़ से टकराकर वापस यहाँ नहीं आएगी, यहाँ से निकलकर पूरे देश तक जाएगी, पूरे दुनिया तक जाएगी, जहाँ पर उत्तराखंड के लोग बसे हैं जो इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, और हर वो व्यक्ति जिसकी हिंदू धर्म में आस्था है आज उसे ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मैं इस वक्त जोशी मठ में आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली पर खड़ी हूं। ये वो धरती है जहां पर जब वो केरल से चलकर आए 2500 साल पहले, 11 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने बद्रीकारण्य स्थान को खोजा, तो ये वो धरती थी जिसको उन्होंने चुना तप के लिए, साधना के लिए। ये कल्प वृक्ष जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य ने साधना की थी, और ये बताया जाता है कि यहाँ पर उन्हें दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई और तब से लेकर अब तक इस कल्प वृक्ष को सहेज कर रखा गया है। लेकिन ये कल्प वृक्ष अब कब तक रहेगा ये मालूम नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य जहाँ विश्राम किया करते थे वो गुफा यहाँ पर है। देश में 4 मठों की जब उन्होंने स्थापना की तो सबसे पहला मठ ज्योतिर्मठ यही ज़मीन है, यही धरती है, और इसीलिए आज ये देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर एक टाइम बॉम्ब पर इस वक्त बैठी हुई है, और कब वो टाइम बॉम्ब फट जाएगा और फिर क्या होगा, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जोशीमठ की सांस्कृतिक विरासत इतनी रिच है, अगर मैं कहूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में काशी है वैसे उत्तराखंड में जोशी मठ है। आदि गुरु शंकराचार्य का मैं जब नाम ले रही हूं, जिन्होंने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दर्शन दिया, जिन्होंने देश की पूरी यात्रा करते हुए देश को एक सूत्र में पिरोया, उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य को खोजने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए बड़े बड़े स्कॉलर्स इसी धरती पर आए, यहाँ पर पहुँचे। लेकिन अब क्या भविष्य में ऐसा संभव हो पाएगा, आज ये सवाल बना हुआ है। इस शहर का प्राचीन इतिहास यहीं ख़त्म नहीं होता है। कत्यूरी राजाओं को, जिनको कि उत्तराखंड का पहला राजवंश कहा जाता है, जिन कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया, उनकी पहली राजधानी यही जोशीमठ थी। भारत और तिब्बत के मैत्री संबंधों का सबसे बड़ा प्रतीक यही जोशीमठ है।
साथ इस वक्त स्वामी मुकुंदानंद आचार्य जी इस वक्त मौजूद हैं। प्रणाम स्वामी जी। आज सौभाग्य है कि यहाँ इस तप स्थली पर आने का अवसर मिला। मैं हालांकि जोशीमठ मेरा आना इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन यहाँ पहली बार मैं आई हूँ। लेकिन आज एक दर्द के साथ आई हूँ। बड़ी तकलीफ हो रही है देख के, जब ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कब धरती फट जाएगी और जैसे सीता मैया समा गई थी कब हम उसमें समा जाएंगे, आज हैं कल नहीं है, हमें पता नहीं है। जहाँ हमारे भगवान जैसे रहेंगे वैसे ही हम रहेंगे, और ये तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़े जो प्रतीक हैं ये उनकी गद्दी है। ऐसा महसूस हो रहा है कहीं किसी क्षण में कि जोशीमठ की आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही है, या लोग जोशीमठ को एक बहुत सीमित दायरे में देख रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जोशीमठ के डूबने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा प्रतीक यहाँ पर मौजूद है वो आपके हाथों से निकल जा रहा है या नष्ट हो जा रहा है। असल में समाज की ये समस्या है प्राय बहुतायत लोगों की, कि वो संभवतः संवेदनाओं को शायद खो दिए हैं, क्योंकि जोशीमठ मात्र एक नगर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा मात्र नहीं, एक पहाड़ी पर बसा एक शहर नहीं है। आप देखिए कि जो हमारा पूरा भारतवर्ष है उसको शंकराचार्य जी ने लगभग 2500 वर्ष पहले, जब शंकराचार्य जी हुए तो शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के चार विभाग किए अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से चार क्षेत्र का बंटवारा किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वेद के आधार पर। तो उत्तर क्षेत्र का धार्मिक राजधानी आज से 2500 वर्ष पहले ज्योतिर्मठ को उन्होंने बनाया। देखिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमको भगवान का पता बता दिया, मतलब बद्र विशाल कहाँ है वो हमारे पूर्वजों ने बता दिया। उन्होंने ये बता दिया कि ये हाथी पर्वत है, ये विष्णु प्रयाग तीर्थ है, बहुत कुछ बताया। वो पूर्वज यदि चाहते तो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए चाहते तो जोशीमठ के पहाड़ के अंदर छेद कर देते जैसे आज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना सब होने के बावजूद भी ये इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ के पर्वत इको सेंसिटिव जोन में, जैसे जो भ्रूण जैसे कह सकते हैं या बालक कह सकते हैं उस तरह के पर्वत हैं, तो संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उन्होंने विकास के नाम पर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पर्वत हमारा समाप्त हो। मतलब स्थायी विकास उन्होंने किया, अस्थायी विकास के ऊपर कोई जोर नहीं दिया। आज का जो विकास है वो अस्थायी विकास है कि हम ट्रेन लेके चले जाएंगे, हम टनल बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अमित जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये बात मेरे भी दिमाग में आ रही थी। मैं क्योंकि दिल्ली से आई, यहाँ तो लोगों के लिए ये हर पल हर सेकेंड की चिंता है, लेकिन दिल्ली में उतनी बात नहीं थी इस बारे में, या बहुत ज़्यादा ठीक है खबरों में छप रहा है या थोड़ा बहुत आ रहा है, ट्विटर पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, बस उतने तक की बात थी। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि ये मामला सिर्फ एक शहर की 20,000 की आबादी का है ही नहीं, 80% आबादी का मामला है ये। अगर 80% आबादी का प्रतीक यहाँ बसता है, हम घर में भी क्या करते हैं ना, अगर घर में हमारा कोई खजाना होता है या घर में हमारी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम जहाँ जाते हैं उसको साथ लेके जाते हैं या संभाल के रखते हैं। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये कमी कहाँ छूट रही है? अभी तक लोगों को ये रियलाइज क्यों नहीं हो पा रहा कि ये मामला सिर्फ जोशीमठ के 20,000 लोगों का नहीं है, इस देश के 80% लोगों का मामला है। कमी कहाँ छूट रही है? कमी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि जैसे हमने शुरुआत में जो शब्द कहा आपको कि लोगों की संवेदनाएं उस हद तक मर चुकी हैं कि जब तक स्वयं के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी तब तक वो चेतने को ही तैयार नहीं। जोशीमठ की बात देखिए, जोशीमठ में जोशीमठ को लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, सिस्टम ने, सरकार ने, सब अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से गतिमान कार्य करने की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से शायद नहीं किया जा रहा है। सरकारें प्रयास कर रही हैं, हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि भाई हम आज कमिश्नर आए हैं, ये सचिव आए हैं, प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ निरीक्षण वहाँ निरीक्षण। लेकिन मान लीजिए आज रात में आपदा आ गई, आज रात में यदि मान लीजिए तो जो 570 परिवार प्रभावित हैं उसके अंदर के किसी एक व्यक्ति की भी यदि क्षति हो गई तो उसकी भरपाई क्या कोई संसार का कोई शासन कर सकता है? हजारों करोड़ लाखों करोड़ का ये कर सकता है? 5,000 वर्ष से जिस कल्प वृक्ष ने हमारी समस्त सभ्यताओं को देखी, जिसको देख करके हम अनुभव करते हैं कि ये देखो 5,000 वर्ष पुराना, वो कल्प वृक्ष आज संकट में है। आज कल्प वृक्ष के किनारे देखेंगे आप दरार पड़ गया है, तो कल्प वृक्ष हमको यहाँ भी दरार पड़ गई है, मुझे दिखा सकते हैं क्या? मंदिर में दरार पड़ गई है, प्लीज दिखाइए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। अभी हम दिखाते हैं ना आपको। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण देखिए, जो मिनिमम आवश्यकता है हमारी, खाना पीना वो तो ठीक है, उसके अलावा रोड ना हो और बिजली ना हो तब भी चल सकता है, लेकिन रोड और बिजली के लिए आप पर्वत को ही समाप्त कर दें, हिमालय को ही समाप्त कर दें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है अभी। ये देखिए ये दरार जो है ये पिछले 5 दिन के अंदर आया दरार है, ये देखिए ये पूरा आ गया, ये देखिए ये टेढ़ा हो गया है पूरा, ये देखिए ये पूरा नीचे की तरफ दगे नहीं, पहले ये पहले मतलब ये पहले तो नॉर्मल जैसे दरवाजा रहता है वैसे रहा होगा ना,
ये देखिए यहाँ ये पूरी अभी आपको दीवार दिखाई दे रही है जहाँ पर अखंड जोत चल रही है, उस जोत के भी आसपास के जितने हिस्सों पर आपकी नजर जाएगी ये सब दरारें, ये सब अभी की आई हैं या ये पहले पहले थी? इसमें ये दरारें ये जो अभी दब गए हैं ये अभी की हैं, ये भी अभी की हैं, ये तो आपको ताजा ताजा दिखाई ही पड़ेगा। ये देखिए ये भी अभी की हैं। और इसके अलावा जो रोड है जहाँ से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं उस एरिया में भी बीच रोड में भी थोड़ा सा दरारें आ गई हैं, कल वृक्ष के पास भी थोड़ी सी दरारें आ गई हैं। तो वृक्ष के पास दिखा सकते हैं आप हमें तुरंत, जितने भी मकान हैं सब में शुरुआती दौर यही था, शुरुआती दौर में सब जगह एक जैसे अच्छा पैटर्न मतलब सेम है कि हर जगह पहले एक हल्की दरार हुई फिर वो धीरे धीरे गहरी होती चली गई, उसकी कि नहीं पूरा टूट ही जाए तभी हम कुछ करें तो अलग बात है, लेकिन पैटर्न यही है, धीरे 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 करके आ रहा है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है, बहुत बहुत बढ़ रहा है। कल्प वृक्ष की उम्र कितनी है, आयु कितनी है? उसकी उम्र लगभग ऐसा माना जाता है कि कम से कम 5000 वर्ष तो होगा ही, क्योंकि शंकराचार्य जी का काल निर्धारण अभी से 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य जी के विषय में बताया जाता है, तो शंकराचार्य जी को इसी कल्प वृक्ष के नीचे आत्मज्योति का दर्शन हुआ था। और आप कह रहे हैं कि 5000 वर्ष इसकी कम से कम होगी, वैसे सर्वे के अनुसार जो सर्वे के विशेषज्ञ हैं वो और अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से जो लोक प्रचलन में जो बात कही जाती है उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 5000 वर्ष कम से कम इसकी आयु है। और ये शहतूत का वृक्ष है, अभी तो चूंकि ठंड है इसलिए इसके पत्ते सब झड़ गए हैं। महिमानंद जी, गणेश जी, गणेश जी को बुलाइए, गणेश पुजारी जी को। यहाँ जाना अलाउड नहीं है? हाँ हाँ नहीं जा सकती हैं। अच्छा जा सकती हैं, आप आइए ना। कल्प वृक्ष देखिए, आप बहुत सारे वृक्ष आपने देखे होंगे लेकिन जिस तरह का वृक्ष ये है उस तरह के वृक्ष को देख पाना, ये देखिए इस तरफ देखिए, और ये अच्छा ये जो है यहाँ पर ये इतनी बड़ी दरार जो इस वक्त दिखाई दे रही है आ रही है, ये इस तरफ दब रहा है, ये कल्पवृक्ष इस तरफ ऐसे दब रहा है, ऐसे की तरफ ये वाला जो पाया है उसका झुक रहा है, और ये पुराना नहीं है नया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। वैसे तो पहाड़ में जो घर हैं वो कभी कभी इधर उधर होते रहते हैं, सामान्य पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए प्रैक्टिस की चीज़ें बहुत विशेष नहीं है, लेकिन चूंकि इस प्रकरण में हो रहा है और अभी ताज़ा हो रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो उससे हमको अनुमान लगाना चाहिए भाई कि अब चावल का एक दाना यदि पक गया तो हम मान लेते हैं कि पूरा कुकर में और बटलोई में रखा चावल पक गया है, तो ये अनुमान हमको लगाना चाहिए कि समस्या गंभीर हो सकती है, इतनी गंभीर हो जाएगी कि मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ के पुजारी जी हैं, पुजारी जी यहाँ का कल्प वृक्ष वाला बता दीजिए कैसा कैसे कहाँ पे है। ये वाला दरार देखिए, दो तीन दिन आराम से। अच्छा ये वाला जो है ये जो दिख रही है दरार ये अभी की है, तीन दिन पहले आई है, तीन दिन पहले आई ये दरार है और पूरा मंदिर फटते जा रहा है चारों तरफ से जी। अब आपको मंदिर की स्थिति अभी देख के मतलब क्या लग रहा है कि ये और गहराएगा अभी? जी 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 और गहराएगा जी, जब तक जब 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 तरह की स्थिति है हाँ। उस आधार पे तो यही अनुमान किया जा रहा है कि भाई क्योंकि इतना शुरू हुआ हाँ। जिन भी घरों की स्थिति है इसी तरह से शुरुआत यही ऐसे ही हुआ था, तो शुरुआत यहाँ भी हुआ है और ये ताजा है, ज्यादा पुराना नहीं, मैक्सिमम 3-4 दिन हुए होंगे, उससे ज्यादा नहीं हुआ है, तो चीजें तो बढ़ रही है। तत्काल गंभीरता से तत्काल विस्थापन के लिए सुंदर स्थान देख करके लोगों का विस्थापन, जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। जोशी मठ में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र आपको पग पग पर दिखते हैं, और आज इसीलिए बार बार मैं ये सवाल भी पूछ रही हूँ कि हिंदू आबादी इस देश में जिनके आस्था के केंद्र यहाँ इस जमीन पर मौजूद हैं उन्हें चिंता क्यों नहीं है? बाबा बद्री विशाल का गेट है जोशीमठ शहर, और शीतकालीन समय जिस समय मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं यानी बर्फ गिरती है उस समय में बाबा बद्री विशाल की गद्दी यहाँ नृसिंह मंदिर में विराजमान होती है, तो यहाँ अभी बाबा बद्री विशाल की गद्दी है इस समय जब ये रिपोर्ट आप मेरी देख रहे हैं। और इसीलिए आज बड़ा सवाल ये है कि वो सारे लोग जो खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार कहते हैं आज जोशीमठ की कराह पर, जोशीमठ की पीड़ा पर, जोशीमठ की तकलीफ पर ऐसी खामोशी, ऐसी चुप्पी जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये पूरी लड़ाई इस वक्त आगे कौन लेकर जा रहा है? एक कॉमरेड, पूरा ये आंदोलन जिस एक चेहरे पर आगे बढ़ रहा है वो है अतुल सती। अगर आपकी व्यवस्था में जरा भी चूक होगी, जो भी आप कह रहे हैं लिख रहे हैं इसमें कोई वादा खिलाफी होगी, हम दोबारा ये अलाव जगाएंगे, दोबारा इस सड़क पर आ जाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अब इसके बाद।